हेलो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे केस स्टडी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस तो स्टार्ट करते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इज अ मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टेडियम ऑफ टेली इट हैज़ ए कैपेसिटी टू सीट सिक्सटी थाउजेंड पीपल द स्टेडियम इज कंडक्टिंग द एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन सोन द क्यूरेटर ऑफ द स्टेडियम इज आफ टू फिगर आउट द डायमेंशन फॉर कार्विंग below फॉर ए हॉकी यहाँ क्या दिया हुआ है हमें बताया गया है कि जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है दिल्ली का वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध खेल का मैदान है इस मैदान में साठ हजार लोगों के बैठने की क्षमता है और स्टेडियम में जल्दी ही वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना है मैदान के क्यूरेटर को हॉकी कोर्ट और शूटिंग रेंज के लिए आवश्यक क्षेत्रफल के अनुसार सीमा रेखाएं उकेरने को कहा गया जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है हॉकी कोर्ट और शूटिंग रेंज के आकार क्रमशः वर्ग और त्रिभुज हैं दोनों कोर्ट का एक उभयनिष्ठ सिरा स्टेडियम के केंद्र को छूता है शूटिंग रेंज की रचना इस प्रकार की गई है कि केंद्र पर नब्बे डिग्री का कोण बनता है और स्टेडियम की त्रिज्या एक मीटर है तो अब जो हमें शूटिंग रेंज और हॉकी कोर्ट दिया हुआ है उसके बारे में क्या बताया है कि उन दोनों का एक कॉमन एज है जो सेंटर को टच करता है यानी ये है हमारा सेंटर O केंद्र O द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शूटिंग रेंज इज सच दैट द एंगल एट द सेंटर इज 90 डिग्री और शूटिंग रेंज जो है वो सेंटर पे केंद्र पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है रेडियस ऑफ द स्टेडियम इज 180 मीटर और जो स्टेडियम की त्रिज्या है वो है 180 मीटर यानी 180 एटी मीटर्स अब क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज द एरिया अलॉटेड टू शूटिंग रेंज यानी शूटिंग रेंज का क्षेत्रफल कितना है तो अब सबसे पहले हम यहां देखते हैं हमारा जो फिगर हमें दिया हुआ है शूटिंग रेंज जो है वो है एक त्रिभुज के आकार में यानी एक ट्राइंगल के आकार में तो ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना होगा अगर हमें शूटिंग रेंज का एरिया चाहिए तो तो अब यहाँ पर ये हमारा त्रिज्या है रेडियस 180 मीटर और ये भी हमारा रेडियस है ओ जो है वो भी रेडियस है यानी ये भी हमारा 180 एटी मीटर्स हो गया और क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हो गया समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमें एरिया निकालना होता है तो हम सीधे क्या यूज कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई और यहाँ पर आधार भी हमारी त्रिज्या है 180 और ऊंचाई जो है वो भी हमारा रेडियस यानी 180 तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ये हो गया नब्बे और इन दोनों को गुणा करके हमें मिलेगा 16,200 मीटर स्क्वायर यानी 16,200 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा शूटिंग रेंज का क्षेत्रफल आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हॉकी कोर्ट का क्षेत्रफल कितना है यानी अब हमें एरिया निकालना है हमारे हॉकी कोर्ट का यानी ये जो हमारे वर्ग यानी स्क्वायर जो दिया गया है इसका अब इसे ध्यान से देखना कि ये जो हमें शेप दी गई है ओ सी और ये डी और ये ई e. अगर हम इस ओ को डी से मिला दें यानी यहाँ मिला दें और इस बी और ई e को मिला दें तो हमें कुछ A, o, B, ये जो हमारा शूटिंग रेंज जैसा ट्रायंगल है ये त्रिभुज ऐसा ही त्रिभुज मिल रहा है यानी हमारा जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही हमारे त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल होगा यानी वही सेम एरिया अब ये जो हमारे पास त्रिभुज है ओ बी डी ओबीडी में ओ e जो है वो है एक लम्ब परपेंडिकुलर क्योंकि वर्ग है तो नब्बे डिग्री का एंगल होगा स्क्वायर में तो नब्बे डिग्री के एंगल होते हैं तो अब हमें यह भी पता है कि जब हमारा समद्वी बाहू त्रिभुज होता है यानी आइसोसलिस ट्रायंगल क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है तो हमारा जो लम्ब होता है हमारा परपेंडिकुलर वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है यानी ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा तो हम ये कहें कि जो हमारा ट्राइंगल ए डी ई है उसका एरिया हो जाएगा पूरे ओ बी डी का आधा और ओ बी डी का एरिया हमारा किसके इक्वल होगा जो हमारा ओ ए बी का है यानी हमारा कितना है उसका एरिया सोलह हजार दो सौ डिवाइड बाय टू तो यहाँ हमें मिल गया आठ हजार एक सौ मीटर स्क्वायर सिर्फ एक ओ डी ई का जो ओडी ई का क्षेत्रफल है वही हमारा ट्राइंगल ओ सी डी का क्षेत्रफल भी होगा क्योंकि हमारा जो ये डायग्नल है विकर्ण जो है वर्ग का वो उसे दो बराबर भागों में बांटता है तो ओसीडी का क्षेत्रफल भी क्या आ गया 8100 मीटर स्क्वायर तो टोटल वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा टोटल वर्ग का एरिया होगा जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी वापस हमें क्या मिल गया 16200 यानी 16200 मीटर स्क्वायर तो हमारे हॉकी कोर्ट का क्षेत्रफल कितना आ गया 16200 मीटर स्क्वायर तो यह भी हमारा सेम एरिया आ गया नेक्स्ट क्या है इफ़ द टीम ऑफ द क्यूरेटर्स मैनेजिंग द स्टेडियम लाइक टू अलॉट स्पेस फॉर सम मोर स्पोर्ट्स हाउ मच एरिया इज अवेलेबल टू दैम कि अगर क्यूरेटर ये चाहता है कि जो हमारा स्टेडियम है उसमें अन्य खेलों के लिए भी क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना क्षेत्रफल उपलब्ध होगा तो कितना क्षेत्रफल होगा टोटल स्टेडियम के क्षेत्रफल में से हम हॉकी कोर्ट जो है उसका क्षेत्रफल और शूटिंग रेंज इनका क्षेत्रफल माइनस कर दें तो अब हम देखें हमारा स्टेडियम किस आकार का है स्टेडियम है हमारा कौन सी शेप का सर्कुलर शेप का यानी वृत्ताकार तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये दोनों जो शूटिंग रेंज का क्षेत्रफल और हॉकी कोर्ट है इन दोनों को गायब कर देते हैं तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाईआर स्क्वायर इसमें से हमें माइनस करना है सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड यानी सोलह हजार दो प्लस सोलह हजार दो हॉकी जो कोर्ट है उसका भी और शूटिंग रेंज का भी पाई यानी थ्री पॉइंट वन फोर आर एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी माइनस बत्तीस हजार चार सौ और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा उनहत्तर हजार तीन सौ छत्तीस यानी सिक्सटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स मीटर स्क्वायर तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन डी तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर टिक कर देंगे ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्या है यदि हॉकी कोर्ट और शूटिंग रेंज की सीमाओं पर बाड़ लगानी है तो आवश्यक बाड़ की कुल लंबाई कितनी है तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जो हमारी हॉकी कोर्ट और शूटिंग रेंज है इनकी फेंसिंग कर दें तो हमें कितनी फेंसिंग मतलब जो हमें वायर वायरिंग चाहिए होगी वो कितने मीटर्स की लेंथ की होगी तो अब यहाँ ध्यान से देखें फिर से हम तो यहां जब हम फेंसिंग शुरू करेंगे तो पहले तो ये हमारा शूटिंग रेंज जो है इसके किनारे किनारे फेंसिंग होगी यानी हमारा जो त्रिभुज है उसका यानी हमारा जो त्रिभुज है उसका परिमाप लेना होगा उसी तरह जब हम वर्ग ये जो हमारा वर्गाकार हॉकी कोर्ट है इसकी फेंसिंग करेंगे तो हमें इसका परिमाप लेना होगा अब परिमाप लेने का मतलब कि हमारी सारी साइड्स को हमें ऐड करना है उनकी जो भी लेंथ है उसको ऐड करना है तो यहां पर इस त्रिभुज की दो लेंथ तो हमें पता है ये भी 180 है और ये भी 180 है ये लेंथ जो है ये हमें ढूंढनी यानी हमें ए बी जो है वो ढूंढना है अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल है तो ये हो गया समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राएंगल होते ही क्या करेंगे हम पाइथागोरस जो है हमारी वो अप्लाई कर देंगे तो अब 90 डिग्री के अपोजिट ये साइड हो गया हमारा कर्ण यानी तो इसका मतलब AB जो है हम कैसे निकालेंगे इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 180 यानी 180 जो हमारा परपेंडिकुलर है और 180 जो आधार है उन दोनों का स्क्वायर और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया वन एटी रूट टू तो ये साइड हमें मिल गई रूट टू मीटर्स फिर हमने देखा था जो हमारा एरिया ओ ए बी का था वही हमारा एरिया ओ बी डी का था तो अब हम अगर हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है तो यही हमारा होगा क्या वर्ग की भुजा यानी वर्ग हमारे स्क्वायर की साइड तो अब इसका परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम जो एरिया हमें दिया हुआ है उससे इसे कंपेयर करेंगे यानी हम हाफ इंटू बेस बेस अब हमने जो नई साइड निकाल ली एक सौ अस्सी रूट दो इन टू हाइट जो अब हमारा परपेंडिकुलर है ये सोलह हजार दो सौ वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि हमारे उस ट्राइंगल का एरिया सोलह हजार दो सौ है यहाँ से हम एच निकालेंगे तो सोलह हजार दो सौ बटे में क्या आ जाएगा एक सौ अस्सी रूट दो गुणा दो तो इसको सॉल्व करके हमें आंसर मिल गया नब्बे रूट दो मीटर तो ये नब्बे क्या आ गया ये आ गया हमारा वर्ग की एक साइड यानी ये अब जब हमें सारी साइड्स मिल गई है हमें सिंपली क्या करना है पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए सारी साइड्स का टोटल करना है तो सारी साइड्स कौन कौन सी हो गई हमारी एक ट्राइंगल की 180 दूसरी साइड भी उसकी 180 एक साइड हमने अभी निकाली एक सौ रूट दो प्लस अब वर्ग पे आ जाते हैं वर्ग की एक साइड नब्बे रूट दो है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है फोर इन साइड यानी फोर इन टू रूट टू तो अब हमारे पास कितना आ गया हमारे पास आंसर आया थ्री सिक्सटी प्लस फाइव फोर्टी रूट टू अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम हमने एक सौ अस्सी कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा टू प्लस थ्री रूट टू मीटर्स अब देखें ये आंसर हमें कहा मिल रहा है तो हमारा ये आंसर है कहां पर ये है हमारे पास आंसर बी यानी जो हमारा ऑप्शन बी है इट इज द करेक्ट आंसर वन एटी इंटू टू प्लस थ्री रूट टू ये हो गया सॉल्व अब नेक्स्ट क्या है यदि बाढ़ लगाने पर प्रति मीटर रुपए छह का खर्च आता है तो बाढ़ लगाने पर होने वाला कुल खर्च कितना है तो अब जब हमें पता चल गया कि हमें कितनी लंबी बाड़ चाहिए तो हम फेंसिंग के टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं अगर सिक्स रुपीज पर मीटर है सिंपली करना क्या है वन एटी टू प्लस थ्री रूट टू ये तो हमारी फेंसिंग की लेंथ है यानी लंबाई इसको हम सिक्स रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम इसे सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर को नंबर से इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा वन जीरो एट जीरो और अंदर टू प्लस थ्री रूट टू तो है ही यानी कौन सा आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो अब हम ऑप्शन सी को करेक्ट कर देते हैं हो गया सॉल्व अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड्स ऑन विच नंबर्स वन टू थ्री टू हंड्रेड आर रिटर्न वन नंबर ऑन वन कार्ड एंड नो नंबर इज रिपीटेड पुट इन अ बैग एंड आर मिक्स थोरोन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग तो केस हो गया कि हमने वन टू हंड्रेड कुछ पर्चियों पे नंबर डाले हैं और उन्हें एक थैले में डालकर मिला दिया है अब उस बैग में से हम उस थैले में से एक पर्ची निकाल रहे हैं तो अब इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है निकाली गई पर्ची पर एक विषम संख्या लिखे होने की क्या प्रायता है कि हम जो कार्ड निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक और नंबर हो वन टू हंड्रेड अगर जब हम नंबर्स देखें तो हमारे पास कितने ऑड नंबर्स आएंगे टोटल अगर हम देखें तो टोटल ह... कितने नंबर्स होंगे वन ऑड हो गया टू इवन फिर थ्री ऑड यानी एक विषम एक सम एक विषम एक सम ऐसे शुरू हो रहा है तो यानी हमारे पास फिफ्टी ऑड नंबर्स पचास विषम संख्याएं होंगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी हो गई जो हमारे पास डिजायरेबल यानी फिफ्टी ऑप्शन हैं विषम संख्याओं के ऑड नंबर के और टोटल हमारे हैं 100 पर्चियाँ, यानी 100 कार्ड्स तो क्या आंसर हो गया 0.50 तो हमारा ऑप्शन सी जो है इट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पर्ची पर एक दो अंकीय विषम संख्या लिखी है यानी संख्या दो अंकों की हो अब हम एक से सौ तक जब गिनती देखें तो हमारे टू डिजिट नंबर दो अंकों के नंबर कहां से शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं हमारे दस से और दस से लेके वो नाइन चलते निन्यानवे तो दस से निन्यानवे तक हमारे पास दो अंकों के विषम संख्याएं कितनी होती हैं यानी ऑड नंबर्स कितने होंगे हमारे पास वो हैं हमारे 45 कितने हैं 45 तो फोर्टी फाइव हमारे टोटल हो गए ऑड नंबर जो टू डिजिट नंबर है और टोटल ऑप्शन है हमारे हंड्रेड तो आंसर आ गया ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव यानी जो हमारा ऑप्शन बी है यानी जो हमारा ऑप्शन बी है ये हो गया ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ इलेवन मल्टीपल ऑफ इलेवन यानी ग्यारह का गुणज हो यानी ग्यारह से विभाज्य हो तो ग्यारह किसे विभाज्य कौन से होंगे ग्यारह से डिविजिबल कौन से होंगे जो इलेवन की टेबल में आते होंगे तो ग्यारह की टेबल में हमारे कौन कौन आते हैं इलेवन 22, टू थर्टी थ्री फिफ्टी फाइव सेवेंटी सेवन फिर एटी एट और 99 नाइन और हमें क्या चाहिए कि ये जो है विषम भी हो यानी ऑड नंबर भी होना चाहिए तो ऑड कौन कौन है इसमें ग्यारह हो गया तैतीस हो गया फिर पचपन सतहत्तर निन्यानवे तो कितने हो गए हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ऑप्शन हो गए तो फाइव तो हमारे पास ऑप्शन हैं और टोटल ऑप्शन है हमारे हंड्रेड तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या हो गई ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव क्योंकि हम इसे डेसिमल में बदलेंगे तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव हमारा आंसर आ गया Yani नेक्स्ट तो है व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड निकालें तो है लेकिन सत्तर से कम नहीं यानी yani सत्तर के बाद हम अपनी विषम संख्याएं गिननी शुरू करेंगे इकहत्तर तिहत्तर पिछहत्तर इस तरह से हम सारी काउंट करेंगे तो हमें कितनी मिल जाती है ऐसी संख्याएं हमें ऐसी संख्याए मिल रही हैं फिफ्टीन यानी जो हमारे डिजायरेबल ऑप्शन है वो है फिफ्टीन और टोटल ऑप्शन तो हंड्रेड चल ही रहे हैं हमारे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रायिकता प्रायता जीरो पॉइंट तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पर्ची पर एक ऐसी विषम संख्या लिखी है जो ग्यारह से विभाज्य नहीं है यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ इलेवन तो ऑड नंबर भी हो और नॉट मल्टीपल ऑफ इलेवन इलेवन का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए तो और नंबर तो हमारे पास टोटल फिफ्टी हैं, यानी पचास विषम संख्याएं हैं और मल्टीपल नहीं होना चाहिए इलेवन का तो ग्यारह से विभाजित होने वाली हमारी विषम संख्याएं कितनी निकला निकाली थी हमने इस क्वेश्चन में हमारी पांच निकली थी तो वो पांच हम इसमें से गायब कर देते हैं यानी फोर्टी फाइव रह गए जो नंबर्स रह गए और अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी तो फोर्टी फाइव बाई हंड्रेड ये हो गई हमारी प्रायिकता यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया जीरो पॉइंट फोर फाइव क्लियर हमने क्या किया यहां पर हमने देखा हमारी टोटल विषम संख्याएं कितनी हैं वो हमें पता है हमारी पचास है और ऐसी विषम संख्याएं जो ग्यारह से विभाजित हैं वो हमने ऊपर काउंट की थी वो हमारी पांच थी उन पांच को हमने हटा दिया क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो पांच तो हमारे पास फोर्टी फाइव संख्याएं रह गई जो आ सकती हैं और टोटल ऑप्शन तो हमारे हंड्रेड हैं ही इसलिए फोर्टी फाइव बाई हंड्रेड कर दिया हो गया सॉल्व तो बस अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए मिलते हैं एक और वीडियो में Till keep practicing and enjoy math.